हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण के बारे में, रेनेसेंस। पुनर्जागरण यूरोप में पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, तो पुनर्जागरण का सीधा सीधा मतलब ये निकालें तो पुनर्जागरण का अर्थ होता है, सरल भाषा में जाएँ तो फिर से जागना। लेकिन जो इतिहास का पुनर्जागरण था, जो यूरोप में पुनर्जागरण आया, उसमें इसका मतलब कुछ और था। इसमें इसका मतलब ये था कि उस समय यूरोप के जो लोग थे, जर्मनी, रोम, इटली के जो लोग थे, उन लोगों के जो रहन सहन, जो जीवन शैली थी, उसमें एक बेहद परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन ये था कि उनके जो सामाजिक परिवर्तन था, जो भी धार्मिक कुरीतियाँ थी, जो उनके जो सोचने की जो क्षमता थी, वो सब चेंज हो चुकी थी। व्यापार करने के रास्ते बदल चुके थे और बात करने का तरीका, रहने का तरीका, पूरी जीवन शैली चेंज हो चुकी थी। ये 1400 से 1700 ईस्वी के बीच में जो पुनर्जागरण यूरोप में आया, इस 3 सालों में ऐसा परिवर्तन लोगों के अंदर देखने को मिला कि उसे हम प्राचीन इतिहास का यूरोप का पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। इसमें इसकी बात करें तो इसके जो मेन कारण हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से पुनर्जागरण आया, क्यों लोगों को जो है अपना तौर तरीका चेंज करना पड़ा, क्यों लोगों को धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध जाना पड़ा, क्यों उनको धार्मिक आंदोलन करना पड़ा और क्यों नए रास्तों की खोज करनी पड़ी। सारी बातों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इनके बीच में अगर बात करें कुछ कौन कौन से लोग थे जो पुनर्जागरण का जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसमें टाइम पर 300 सालों के अंदर बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनकी वजह से पुनर्जागरण आगे बढ़ता चला गया। बात करें तो इसका दूध दांते को माना जाता है, दांते इसके अग्रदूत थे, दांते को इसका अग्रदूत माना जाता है। लेकिन इसके बाद फिर पेट्रार्क है, मैकियावेली, लियोनार्डो दा विंची, ये सारे फिर लास्ट में जाके केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, आज सभी लोगों ने आकर, जितने भी दार्शनिक, कवि, चित्रकार और वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने लोगों के आडंबरों और उनके जो माइंड में जो पुराने विचार थे उनको चेंज किया और पुनर्जागरण को बढ़ाते चले। एक दिन ऐसा आया कि यूरोप के वही लोग अपने जो रहन सहन को पूरा चेंज कर रहे थे, एक नए जीवन जी रहे थे, वहाँ से उनकी नई जिंदगी स्टार्ट हुई थी, उसी को हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो ये क्यों आया, तो सारी कारणों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बात करें दांते की, तो दांते ने एक पुस्तक लिखी, डिवाइन कॉमेडी, उसने उन सारे कुरीतियों के बारे में लोगों को आगाह करना स्टार्ट किया, उनके बारे में बताना स्टार्ट किया, वहीं से लोगों के माइंड चेंज होना स्टार्ट हो गया, उनको एक कुछ नया करने की इच्छा उनके अंदर जागने लगी। उसके बाद पेट्रार्क आए, निबंधकार, मैकियावेली, सारे लोग टाइम पर आए और उन्होंने लोगों को बताना स्टार्ट किया और फिर लोगों के मन में पुनर्जागरण की इच्छा जागती चली गई, कुछ नया करने की इच्छा जागने लगी, वही आगे चलकर पुनर्जागरण बन गया। बात करें व्यापार और नगर के विकास, इसका मेन कारण था। इसके बारे में अगर बात करें तो लोग पहले व्यापार करते थे, व्यापार करने के लिए हम जो है एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, फिर दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आया करते थे, तो लोगों का संपर्क बढ़ा और नगरों का विकास हुआ। धीरे धीरे लोगों के संपर्क में आने से आचार विचार जो थे हमारे, उनका आदान प्रदान हुआ और विचारों का आदान प्रदान से जो है हमारी जो सीखे थी, जो हमारे दिमाग में जो थॉट्स थे, जो भी विचार थे, वो चेंज होते चले गए। तो इसका मेन कारण अगर व्यापार और नगर का विकास था तो ये भी था, व्यापार के कारण जो लोग इधर उधर जाते थे, लोगों से मिलते थे, कई तरह के लोगों से मिलना होता था, तो वो भी था, व्यापार और नगर का विकास एक मेन कारण था पुनर्जागरण के लिए। दूसरी बात है तो कुस्तुंतुनिया का पतन, ये मेन कारण था, इसको याद रखना है। कुस्तुंतुनिया, अगर बात करें यूरोप और पूर्वी देशों की, तो इनके बीच व्यापार करने का एक ही स्थल मार्ग था जो कुस्तुंतुनिया से होकर जाता था। कुस्तुंतुनिया जो है काला सागर और प्रशांत महासागर के बीच का एक छोटा सा स्थल का भूभाग था, जिसके रास्ते से व्यापारी लोग पूर्वी देशों में आया करते थे, पूर्वी देशों से जाया करते थे। कुस्तुंतुनिया मात्र एक ऐसा द्वार था जो यूरोप और पूर्वी देशों को जोड़ता था और यहीं पर सारे विद्वान लोग, सारे व्यापारी लोग यहीं पर इकट्ठा होते थे। लेकिन 1453 में कुस्तुंतुनिया पर तुर्की वालों ने अधिकार कर लिया, 1453 पर कुस्तुंतुनिया पर तुर्की लोगों ने अधिकार कर लिया और उन्होंने व्यापार करना वहां से बंद कर दिया, उस पर अधिकार किया, तो यूरोप वाले उधर से ना इधर आ पाते थे ना इधर से उधर। इसका कारण यह निकला कि यहाँ के जितने विद्वान और व्यापारी थे यूरोप में चले गए, यूरोप से कुछ लोग पूर्वी देशों में आ गए, तो यूरोप में जाकर बसने वाले जो भी विद्वान लोग थे, जो भी व्यापारी लोग थे, उन्होंने लोगों को नए रास्तों की खोज करने के बोला, कुछ नया करने के लिए
करने के लिए बोला और उसमें फिर लोगों के प्रति जागरूकता फैलने लगी। यही विद्वान लोग फिर लोगों को नई नई शिक्षाओं के बारे में बताने, नए ढंग से जीने के लिए बताने लगे और व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए नए नए मार्गों की खोज करने लगे। इसका मेन वजह यह भी निकला कि व्यापारी लोग जो मार्गों की खोज कर रहे थे उसी के चलते जो है आगे चलकर फिर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की और जो है 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। समुद्री रास्ते ढूंढे कि कहाँ से कैसे व्यापार करना है। जब एक रास्ता बंद हो चुका था दूसरे रास्ते समुद्री रास्ते से ढूंढते ढूंढते वो अमेरिका पहुंच गया कोलंबस और वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। और मैगलन इसी के चलते मैगलन पूरी समुद्री यात्रा से पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया और जो है समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति मैगलन बन गया। तो इसका मेन कारण ये भी था और नए मार्गों की खोज व्यापार के लिए, इससे लोगों के जो मार्ग व्यापार करने के तरीके थे उसमें बदलाव आया। धर्मयुद्ध का प्रभाव भी जो है मेन कारण था, क्योंकि हम बात करें पश्चिमी देशों की पूर्वी देशों की तो इनके बीच में धर्मयुद्ध चलता रहता था। धर्मयुद्ध के जो योद्धा थे जो अपने धर्म को ऊंचा मानते थे, अगर वो देखते थे कि दूसरे जो पक्ष वाले हैं उनके जो धर्म वाले जो है ज़्यादा ऊपर हैं, ज़्यादा उत्तम हैं, तो अपने को भी थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास किया। वही अच्छा बनाने का प्रयास इतना अच्छा हो गया कि उनके धर्म के बारे में भी जो है बहुत कुछ पढ़ा और धर्म के बारे में लोगों ने जाना, फिर अपनी धार्मिक जो बातें थी उनको ऊपर उठाना स्टार्ट किया और वहीं से फिर जो है पुनर्जागरण का एक नया स्रोत तो वहाँ से उत्पन्न हो गया। बात करें पूरब से संपर्क, तो पूरब के जो लोग थे जो अरब वाले जो लोग थे वो इनसे पहले ही सभ्यता में आगे थे, आर्थिक दृष्टि से आगे थे, व्यापारिक दृष्टि से आगे थे अरब वाले। तो उन लोगों से संपर्क जब बढ़ा तो यूरोप वालों के अंदर भी वही सब करने की इच्छा जागी और वहां से इन लोगों ने अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए उपाय उठाया और पुनर्जागरण का एक और जो है कारण बना। कागज जगह मुद्रा कला का आविष्कार ये भी मेन कारण था पुनर्जागरण का, क्योंकि जो भी दार्शनिक थे, जो भी कवि थे जैसे दांते या माइकियावेली, लियोनार्डो दा विंची, ये सारे जो लिखते थे इन्होंने पुस्तकों के द्वारा लोगों को आगाह करना स्टार्ट किया। लेकिन जब कागज था मुद्रा कला का आविष्कार हुआ इससे पुस्तकें सस्ती हो गई, लिखने पढ़ने की जो चीज़ें थी वो भी सस्ती मिलने लगी। इससे लोगों में आसानी हुई पढ़ने लिखने में, जिससे लोगों को समझने में आसानी हुई क्या किया जाना चाहिए, क्या 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 नहीं करना चाहिए। तो कागज मुद्रा कला का जो आविष्कार था ये लोगों में बहुत तेज़ी से फिर वो सारी शिक्षाएँ जो थी जो चित्रकार और दार्शनिक लोग कवि लोग जो लोगों तक पहुँचाना चाहते थे वो बहुत तेज़ी से फैली, जिससे लोगों में बहुत तेज़ी से नई चेतना विकसित होती चली गई। फिर धार्मिक क्रांति लोग ये था कि धार्मिक क्रांति के चलते धर्मयुद्ध जो है धार्मिक आंदोलन भी इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया। इसका मेन कारण ये था कि जो यूरोप के जो लोग थे, जो वहाँ के जो लोग थे पुराने ज़माने में, वो जानते थे कि हम लोग एक जो है जनता हैं और हम सबका जो भगवान है वो पोप होता है, पादरी जो था चर्च का वही होता है, उसको सब लोग भगवान मानते थे और चर्च में जाके फिर जो है पूजा वूजा करते थे, वही अपने हिसाब से जो जीवन चलाता था पोप उसी को सब भगवान मानते थे। फिर जो बाद में यहाँ से जो वाइक्लिफ जो थे, वाइक्लिफ जर्मनी की यूनिवर्सिटी के प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने फिर आगे चलकर इन सब लोगों के यही सभी जो कृतियाँ थी पोप के लिए जो लोगों के अंदर जो गलत थॉट्स थे उनके बारे में लोगों को आगाह करना स्टार्ट किया कि ये सब नहीं है, पोप हमारा जो भगवान नहीं है, पोप एक हमारा नॉर्मली एक इंसान ही होता है, वो अपने फायदे के लिए हम लोगों का यूज करता है, ये बातें बताना स्टार्ट किए। वहाँ से फिर जो है मार्टिन लूथर किंग आया, उन्होंने बाइबिल बोला कि बाइबिल में जो भी बातें लिखी हैं उनका हम अनुसरण कर सकते हैं, उसमें ये नहीं लिखा कि हम पोप को भगवान मानते हैं, भगवान खुद होता है। तो बाइबिल की बातों को उन्होंने लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। बाइबिल लैटिन भाषा में थी, लोगों को समझना जो है मुश्किल हो रहा था, इसके लिए जो है मार्टिन लूथर किंग ने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया और लोगों तक पहुँचाना स्टार्ट किया, जिससे लोगों में धार्मिक क्रांति हुई और पोप के विरुद्ध इतना कष्ट हुआ पोप के लिए कि उन्होंने पोप के विरुद्ध धार्मिक आंदोलन कर दिया। धार्मिक आंदोलन ये था कि उन्होंने जगह जगह पर चर्च थे उनको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, पोप को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, इससे जो थे वहाँ के लोग उन्होंने उनके ऊपर जो है केस लगाने स्टार्ट किया, उनको फांसी देने लगे, लेकिन इससे जो है धार्मिक आंदोलन रुका नहीं। एक समय आया कि उस समय धार्मिक आंदोलन बिल्कुल बंद हो गया था, अपने जो पुराने कृतियों थे उनको लोग चेंज कर चुके थे और नए धार्मिक आंदोलन मानववाद का जन्म हुआ, मतलब वो खुद चाहते थे कि हम जो कर रहे हैं वही हैं और मानो अगर सही है
तो सब कुछ सही है। धार्मिक जो जितने भी आडंबर थे उनको त्याग कर चुके थे और वहां से बाहर निकल चुके थे। बाद में वैज्ञानिकों का भी जन्म हुआ इन्हीं 300 साल में। लास्ट में आ गए कैपलर लोग, जिन्होंने अब तक जो यूरोप के लोग थे वो चाहते थे कि ये जो पृथ्वी ही पूरी ब्रह्मांड का केंद्र है, पृथ्वी सब कुछ है, लेकिन कैपलर आए, उन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी जो है हम लोगों का केंद्र नहीं है, पृथ्वी खुद एक ग्रह है। और उन्होंने गणित के माध्यम से ये बताया लोगों को कि जो है पृथ्वी जो है एक ग्रह है और सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये बात कैपलर ने लोगों को बताया। फिर जब गैलीलियो आया, गैलीलियो ने भी कैपलर के उसी सिद्धांत का जो है साथ दिया, उन्होंने उसके सिद्धांत को सही बताया कि हाँ कैपलर का जो सिद्धांत है वो सही है, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर न्यूटन आया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। ये सब बातें आई जिससे यूरोप में पुनः जागरण बहुत तेजी से उठा और ऐसा उठा कि उसने सारा चेंज हो गया। 300 साल में पूरा यूरोप, पूरा इटली, पूरी जर्मनी और रोम के सारे लोग चेंज हो गए थे, वहाँ का रहन सहन पूरा चेंज हो चुका था। और आज ये समय है कि यूरोप की ज़्यादातर ताकत और देश जितने भी विकसित देश हैं आज यूरोप वाले हैं। तो ये सब बातें थी, पुनर्जागरण का क्या प्रभाव था, पुनर्जागरण कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कारण थे, ये सारी बातें हमने आप सब लोगों को एक छोटे से वीडियो में बताई। ये सारी बातें ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।